हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। ये दोनों एयरफ्रायर्स देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। हमारे पास है एयरफ्रायर्स फ्रॉम टू डिफरेंट ब्रांड्स। वन इज पिजन हेल्थीफाई एंड अदर इज फिलिप्स 1000 सीरीज का NA120। अगर आप इन एयरफ्रायर्स के प्राइस पॉइंट चेक करें तो दोनों ही एयरफ्रायर्स अंडर 5000 के बजट में ईजिली आ जाते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों एयर फ्रायर्स में से बेटर कौन सा है, अपने प्राइस को कौन जस्टिफाई करता है और कौन सा एयर फ्रायर आपको लेना चाहिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्टली हम कंपेयर कर लेते हैं बेसिक स्पेसिफिकेशंस दोनों एयर फ्रायर की। तो दोनों ही एयर फ्रायर की कैपेसिटी है 4.2 लीटर्स। आप साइज देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं। पिजन की थोड़ी सी हाइट ज़्यादा है और फिलिप्स के एयर फ्रायर थोड़ा सा ब्रॉड है, बट दोनों की कैपेसिटी एब्सोल्युटली सेम है। सेकेंड थिंग इज पावर और वॉटेज। तो पिजन का एयर फ्रायर है 1200 वॉट्स का और फिलिप्स का एयर फ्रायर है 1500 वॉट्स का। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट एक्स्ट्रा दूंगी फिलिप्स के एयर फ्रायर को, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पिजन का ये डिजिटल एयर फ्रायर है, तो यहाँ पे आप इसे डिजिटली ऑपरेट कर सकते हैं। इसकी स्क्रीन ऊपर है यहाँ पे टॉप पे। फिलिप्स का ये एयर फ्रायर एनालॉग है, तो आप इसे मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं। यू कैन जस्ट सिंपली रोटेट द नॉब्स एंड द टेम्परेचर सेटिंग और इसी तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम दोनों एयर फ्रायर्स की कॉर्ड कंपेयर करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिजन के एयर फ्रायर की कॉर्ड बहुत ही छोटी है। अगर मैं आपको इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट बताऊँ तो ये ऑलमोस्ट 3.5 मीटर्स रॉड है, इतनी छोटी रॉड है ये। और यहाँ पे जो आप इसका प्लग देख रहे हैं ये सिर्फ 6 एम्पियर का प्लग है। एज़ कम्पेयर टू फिलिप्स की कॉर्ड, तो ये देखिए ये कितनी लंबी कॉर्ड है, ऑलमोस्ट 6.5 मीटर से भी ऊपर की इस कॉर्ड की लेंथ है। आप इन दोनों प्लग्स को साथ में देख सकते हैं, ये 6 एम्पियर का प्लग है और ये 16 एम्पियर का प्लग है, विच इज़ मच मच मोर सेफर फॉर हीटिंग अप्लाइंसेस। सो फ्रेंड्स, फ्रॉम सेफ्टी एंड वॉटेज पॉइंट ऑफ व्यू, तो यहाँ पे डेफिनेटली मेरा वोट जाता है फिलिप्स को एज कम्पेयर टू पिजन। तो हम दोनों एयर फ्रायर की अब बिल्ड क्वालिटी में बात करें, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है दोनों एयर फ्रायर्स को जज करने का। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देख लेते हैं पिजन के एयर फ्रायर को। तो आप देखिए जो इसकी फिनिश है, लुक है, फील है, इट इज़ एक्चुअली लुकिंग क्वाइट चीप। स्पेशली मुझे जो ये क्रोम प्लेटिंग यहाँ पे है, आई डोंट लाइक दिस प्लेटिंग। एज कम्पेयर टू फिलिप्स, ये देखिए कितना एलिगेंट स्लीक डिज़ाइन है। द लुक्स, द फिनिश, एवरीथिंग लुक्स सो प्रीमियम। देखने में ही अगर आप फर्स्ट लुक में दोनों एयरफ्रायर्स को देखें तो फिलिप्स लुक्स वेरी वेरी प्रीमियम एंड वेरी ड्यूरेबल। तो अगर हम इस बास्केट को देखें जो कि पिजन की एयरफ्रायर की बास्केट है, ये काफ़ी हल्की है। इनफैक्ट हैंडल भी बहुत फ्लिमजी है, आप ये देख सकते हैं, बहुत ही लाइट वेट है ये। आई रियली डोंट लाइक दिस क्वालिटी एट ऑल। यहाँ पे हम फिलिप्स की बास्केट देखें तो बहुत ही स्टर्डी है, हैंडल बहुत फर्म है, ग्रिप बहुत फाइन है एंड ओवरऑल आप फिनिश देखिए, बहुत ही अच्छी फिनिश है अंदर बाहर। इट्स वेरी प्रीमियम एंड लुक्स वेरी ड्यूरेबल टू। फिलिप्स के एयर फ्रायर में जैसे कि आपको पता है रैपिड एयर टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। यहाँ पे बास्केट के अंदर ये स्टार फिश डिज़ाइन है, जिससे कि हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है और खाना इवनली कुक होता है। यही सेम चीज़ अगर आप पिजन के एयर फ्रायर में कंपेयर करें तो यहाँ पे ये स्टार फिश डिज़ाइन नहीं है, तो यहाँ पे चांसेस है कि आपका खाना इवनली कुक ना हो। दोनों एयर फ्रायर्स की अगर हम अंदर से बॉडी देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलिप्स के अंदर ये मेटल बॉडी है, विच हेल्प्स इन बेटर इंसुलेशन एंड दस ऑल्सो इट हेल्प्स इन सेविंग एनर्जी एज कम्पेयर टू पिजन। यहाँ पे देखिए ये अंदर से बिल्कुल प्लास्टिक की बॉडी है, तो हीट इंसुलेशन यहाँ पे चांसेस बहुत बहुत कम है। हम दोनों एयर फ्रायर की अब बास्केट की फिटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो पिजन की बास्केट है वो बहुत फ्लिमजी है। अगर आप साइड से देखेंगे तो यहाँ पे गैप्स हैं, ये बास्केट अच्छे से बंद नहीं होती है, फिटिंग बहुत ही फ्लिमजी है एज कम्पेयर टू फिलिप्स। जहाँ पे देखिए देर इज नो फिट इश्यूज, इट्स परफेक्टली सीमलेस एंड फिट्स वेरी नाइसली। तो फ्रेंड्स, मेरा फाइनल वर्डिक्ट आफ्टर कंपेयरिंग ऑल द पैरामीटर्स फॉर बोथ दीज एयर फ्रायर्स, डेफिनेटली मैं जाऊंगी फिलिप्स एयर फ्रायर के साथ एज कम्पेयर टू पिजन,
बेस्ड ऑन द बिल्ड क्वालिटी, बेस्ड ऑन द फिनिश, बेस्ड ऑन द प्रीमियमनेस, वॉटेज, एवरीथिंग. मुझे लगता है कि जो दोनों एयर फ्रायर्स के बीच में थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस है वो फिलिप्स एयर फ्रायर डेफिनेटली जस्टिफाई करता है. तो अगर आप एक बजट एयर फ्रायर खरीदना चाहते हैं अंडर द बजट ऑफ 5,000 rupees, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर फिलिप्स एयर फ्रायर. इन दोनों एयर फ्रायर्स के बेस्ट बाय लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, डू चेक इट आउट. आई होप आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी. ऐसे ही वीडियोज़ अगर आप और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू.